गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप कभी भी किसी भी स्वरूप में करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। जैसे कि 14 सितंबर को एकादशी है, जिसे डोल एकादशी कहा जाता है, उस दिन आप कर सकते हैं। 13 तारीख को तेजादशमी का शुभ दिन है, तो इस दिन कर सकते हैं, दशमी तिथि है और साथ ही द्वादशी तिथि रहेगी, तो तीन चमत्कारी दिन है। चाहे तो आप सभी इन उपायों को आने वाले प्रदोष व्रत और साथ के साथ अनंत चतुर्दशी किसी भी दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा। रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता, पीड़ा चल रही है तो उसका निदान होना ही है। महालक्ष्मी दिन चल रहे हैं, जो व्रत उपवास होते हैं 16 दिन के, जिन्हें गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है, तो यह उपाय अपने आप में बहुत सरल है, परंतु अनंत इनका लाभ कहा गया है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो इन तिथियों का खूब लाभ उठाकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। कुल मिलाकर इन सर्वश्रेष्ठ तिथियों में जब भी आपको समय मिले तभी उपाय कर लीजिएगा। जो पहला उपाय है वह गुरुजी का काफ़ी प्राचीन उपाय है। कई भक्तजनों ने इसे सुना होगा, किया होगा, लाभ मिला होगा। गुरुजी कहते हैं, जब दवाई लग ही नहीं रही हो या दवाई खा खा कर जीवन में तंग हो गए हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, हर तरफ से हार रहे हैं, तो आप सभी को एक काली मिर्च का सर्वश्रेष्ठ उतारा करना है। किसी भी व्यक्ति को लगता है कि कोई मैं मनगढ़ंत उपाय बता रही हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ है, उससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही मैं वह वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें से मैंने यह सारे उपाय लिए हुए हैं। ठीक है जी, तो विश्वास रखिएगा और विश्वास से ही कीजिएगा। कोई भी भले ही कम व्यूज आए, कोई चिंता नहीं है, सत्य के साथ है और धर्म ध्वजा को आगे फहरा रहे हैं, तो महादेव हमेशा ही कल्याण करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय जो है वह एक काली मिर्च का है। जिस व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी चल रही हो, तो गुरुजी ने कहा है एक काली मिर्च को 21 बार व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लीजिए। आप जानते होंगे काली मिर्च का संबंध अपने आप में अद्भुत तरह से है, तो शनिवार की तिथि है एकादशी के दिन, तो उस दिन आप सभी को या किसी भी दिन एक काली मिर्च अपने हाथ की हथेली में लेना है, व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आपको उतारा कर लेना है। कितनी बार? 21 बार एक काली मिर्च को उतारा करना है और लेकर चले जाना है पीपल पेड़ के नीचे। गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा जो है पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का सा एक छोटा सा उसे दाब कर आ जाइए। एक काली मिर्च लेनी है, अच्छी अवस्था वाली लीजिएगा और पीपल वृक्ष के नीचे 21 बार उतारा कर जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है आप दाब कर आ जाइए। आप देखेंगे कि आप जैसे ही उस काली मिर्च को दबा कर आ रहे हैं, छोड़कर आ रहे हैं, वैसे ही उस व्यक्ति की शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से उसे मुक्ति मिलना आरंभ हो गई है। तो प्रथम यह उपाय है। दूसरा, सोमक पित्र का नियम लेकर गुरुजी ने कहा है, जो व्यक्ति रोग से प्रभावित है, सपने में पित्र दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं डर की भावना मन में रहती है, और यह उपाय तो साधारण सरल तरीके से हमें करना ही चाहिए। सोमक पित्र, जिसने भी गरुण पुराण पढ़ा है या सोमक पित्र के बारे में जानना चाहते हैं, वह गूगल कर सकते हैं। तो सोमक पित्र का स्मरण करते हुए आप सभी को एक रोटी बना लेनी है। यह उपाय दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियों पर किया जाता है। तीनों तिथियों में आप करें। अब कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी हम तो सिर्फ फलाहार करते हैं तो गौ माता को क्या रोटी खिला देंगे? तो आपका उपवास है भगवान जी का नहीं है और नहीं समस्त ब्रह्मांड का है, तो ऐसे में गौ माता को तो हम सभी रोटी खिलाएंगे ही। तो आप सभी सोमक पित्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले रोटी बना लीजिए। हमेशा प्रथम रोटी गौ माता के लिए होती है और आप सभी को रोटी में कुछ मीठा रखना है, चाहे तो गुड़ रखें, चाहे तो शक्कर रखें, या खीर बनती है तो इन दिनों खीर रख दीजिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत है। कई भक्तजन मनोकामना पूर्ति के लिए जो माँ लक्ष्मी है उन्हें खीर जरूर से खिलाते हैं, तो संभव हो तो आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा खीर बना लेनी है, रोटी बनानी है और उसमें रख लेना है सोमक पित्र का नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए। अच्छी सुंदर अवस्था की जो गौ माता है उसे मेरे पितरों का तारण हो और एकादशी व्रत में किया गया मेरा दान पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह गौ माता को आपको रोटी खिला देनी है। आप जीवन में परिवर्तन देखेंगे, भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल होती हुई आपको दिखना आरंभ हो जाएंगी। तो वीडियो उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सोमक पित्र का जय आप कमेंट्स में जरूर से लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी आप इन विशेष
सर्वश्रेष्ठ तिथियों में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण उचित पंडित जी से दिखवाना चाहते हैं मेरी टीम से, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण कुंडली बनवाना और साथ ही किसी न किसी स्वरूप में कोई शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी और ज्योतिष से संबंधित कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर से आप ब्राह्मण दक्षिणा देकर अपने लिए उचित शुभ मुहूर्त और कुंडली विश्लेषण इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। यह है सर्वश्रेष्ठ 3-4 तिथियों में कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि गणेश जी महाराज को प्रिय है दुर्वा की माला, महादेव को प्रिय है बेलपत्र की माला, श्रीहरि नारायण को पसंद है तुलसी की माला। तो तीन माला अगर इन 3-4 तिथियों में जब भी आपको समय मिले आप बना लेते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल आवश्यक रूप से बहुत अधिक सुख। आप देखते होंगे आप गहने पहनते हैं या कोई सी माला पहनते हैं, सोना चांदी जैसी भी हो, आपको भी अच्छा लगता है। यह आप किसी को उपहार देते हैं तो उस व्यक्ति का आपके प्रति मान सम्मान बढ़ता है और आपसी प्रेम भी रहता है। तो ठीक यहाँ पर यही भावना आती है, प्रभु की आराधना में दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अब थोड़ा सा ही गणेश उत्सव के दिन रहे हैं और चमत्कारी तिथि है, तो कोशिश करें श्रीहरि विष्णु के लिए तुलसी की माला या तुलसी की मंजरी आप माला के स्वरूप में बनाकर उनके गले में अपनी मनोकामना कहते हुए धारण करवा देते हैं तो कल्याण होता है। आप सभी बेलपत्र की माला, भले ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लीजिए या नई बेलपत्र लाकर मनोकामना कहते हुए महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं तो कल्याण होता है। और साथ ही दुर्वा की माला अगर आप गणेश जी महाराज के गले में मनोकामना कहकर समर्पित कर देते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप सभी को इन तीन मालाओं के प्रयोग को करना है, किसी भी दिन में निश्चित रूप से लाभ होगा। तो यह बात हो गई सर्वश्रेष्ठ कार्य और उपाय की, आपको प्रयत्न करना है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए आप यह कार्य कर सकें। साथ के साथ कई सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ कार्य है शिव का श्रृंगार। आप चाहें तो शमी के पत्ते से शहद लगाकर शिव का श्रृंगार कर सकते हैं, बेलपत्र में चंदन और शहद लगाकर कर सकते हैं, 108 चावल के दाने, तिल, बेलपत्र या जो भी आपसे मिल पाए प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर सकते हैं। इन सर्वश्रेष्ठ तिथियों में भाग्य की रेखाओं को कई तरह से बदला जा सकता है। आप 108 दुर्वा का एक छोटा सा बंडल बनाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। छुट्टी का दिन है, सर्वश्रेष्ठ इनका परिणाम मिलता है। तो इतने सुंदर उपाय हैं, किसी न किसी स्वरूप में कीजिएगा। साथ ही एकादशी, त्रयोदशी, प्रदोष व्रत इत्यादि जो भी आप इन 4-5 तिथियों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। शिव का अभिषेक पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से अवगर करते हैं तो लाभ मिलता है। कुल मिलाकर किसी न किसी स्वरूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यों को करने का प्रयत्न करें, जीवन बदलेगा और भाग्य की रेखाएं प्रबल होगी। आप सभी विशेष तौर पर महालक्ष्मी के दिन चल रहे हैं, शुक्रवार की तिथि है, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले दीपक का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, आप इन दिनों घर की अच्छी साफ सफाई कीजिएगा, नमक का पोछा लगाइएगा, अच्छी सुंदर अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में तैयार होइएगा और घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी आपके आमंत्रण के लिए मैं दीप दान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक लगाइएगा। तुलसी माँ में दीपक लगाएं, घर की रसोई अन्नपूर्णा में दीपक स्मरण करते हुए लगाइएगा। कम से कम कुछ भी नहीं कर सके तो इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में जो महालक्ष्मी के दिन चल रहे हैं इन दिनों घर के दरवाजे पर तो दीप लगाने का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कीजिएगा। भाग्य की रेखाएँ बदलेंगी, रोग कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें।